अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। व्हाट्सएप ने नया ऐप लॉन्च किया है जिसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कहा जा रहा है। अगर आप व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर हैं तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बीटा टेस्टर नहीं हैं तो इसकी एपीके फाइल भी उपलब्ध है, वहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस नए व्हाट्सएप में क्या खास फीचर्स हैं और यह रेगुलर वर्जन से कितना अलग है जानते हैं। नए बिजनेस व्हाट्सएप में यूजर्स लैंडलाइन नंबर्स को भी व्हाट्सएप पर ऐड कर सकते हैं। रेगुलर व्हाट्सएप में सिर्फ मोबाइल नंबर को ही ऐड किया जा सकता है। इस व्हाट्सएप में यूजर्स ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। यहां आप किसी पर्टिकुलर दिन या घंटे के लिए भी ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप में ये फीचर्स नहीं है। इस व्हाट्सएप में यूजर्स ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। यहां आप किसी पर्टिकुलर दिन या घंटे के लिए भी ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप में ये फीचर्स नहीं है। इस व्हाट्सएप में यूजर्स ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। यहां आप किसी पर्टिकुलर दिन या घंटे के लिए भी ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप में ये फीचर्स नहीं है। इस नए व्हाट्सएप में सेंड किए और रिसीव हुए मैसेज के बारे में बता कर सकते हैं। कितने मैसेज आपने सेंड किए और कितने आपको रिसीव हुए ये देख सकते हैं। यह फीचर भी रेगुलर व्हाट्सएप में नहीं है। यहां आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस को चुनने के लिए लिस्ट दी गई है। अगर आपका बिजनेस उस लिस्ट में नहीं है तो अदर्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।